बिहीबार बिहान बिहानै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई कोलकाता कालीघाट मन्दिरमा पूजा गर्दै गरेको देखिएको थियो। बिहीबार मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि उनको टोली पार्थ चट्टोपाध्यायको तामतलामा स्थित उनको घरमा पुगेका थिए। विमल गुरुङ अनि अन्य नेतागणहरू उक्त प्रतिनिधि दलमा उपस्थित थिए। महासचिव रोशन गिरीसँगै अन्य तिनजना नेताहरू, जहाँ प्राय दुई घन्टासम्म उनीहरूको बैठक चल्यो। प्राय 3.5 वर्षसम्म वनवास बसेका थिए विमल। तीन पल्ट बिजेपी सांसद उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गरेर जिताएर पठाएका थिए। गत 2 वर्षमा मुख्यमन्त्री 1-2 पल्ट पहाड चढे, तर उनीसँग वार्ता बस्ने कुनै मौका पाएनन् विमलले। तर पनि उनी आशावादी छन् कि भारतवासीहरूको निम्ति आजको दिनमा यदि कसैले चिन्ता गर्छ भने उनी ममता ब्यानर्जी नै हुन्। यसर्थ उनको मङ्गल कामनाको निम्ति गुरुङले कोलकाता कालीघाट मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका छन्। आज हम आज आप कालीघाट में आए हैं क्यों, माने मंदिर में आए हैं क्यों? विशेष तो आज मैं माँ के पास आया हूँ, क्योंकि आगे से ही बहुत मेरा भाकल था, तो आज एक अच्छी तरीका से हम लोग माँ को जो प्रार्थना पूजा किया है, तो अभी पहाड़ तराई डूवर्स की जो जितना भी वहाँ पर जो आने वाला दिन के लिए आशीर्वाद के लिए मैंने यहाँ पर प्रार्थना चढ़ाया है। और संग संग में इस ममता बनर्जी, उसने जो देश के लिए सोचा है, अभी देश के लिए काम कर रहा है, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना किया है कि ताकि अच्छा हो। अभी भारत देश में एक ही आदमी जो अभी भारत के लिए सोच रहा है, तो ममता बनर्जी, और उसके लिए भी थोड़ा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि एक नागरिक से हम लोग करना चाहिए। तो आज हम लोग खुश हूँ यहाँ के, हम लोग प्रार्थना माँ को चढ़ाया है, आने वाला दिन में सभी को अच्छा हो, सभी को शांति श्रृंखला बनाए रहे, यही हिसाब से मेरी प्रार्थना। थैंक यू।